he is from England ultimately, and we have the farmer here. Kisan bhai hai England se aaya hamare. क्या भाव गया प्याज? 22 रुपए. इनका गोल्टा प्याज था 22 रुपए. मैंने बेचा गोल्टा प्याज था इनका 22 रुपए क्या? तो कितने कट्टे लेके आए थे? अभी तो 20 कट्टे ले आए. और अभी क्या रहा आज अपने यहाँ? आज 2 रुपए किलो का आइडिया आज भाजा. ठीक है, क्या भाव तक गया अपने यहाँ पर? गोल्टा बेचा अच्छा बढ़िया 22 रुपए. 22 रुपए था एक नंबर गोल्टा. ठीक है ठीक है. और अभी आवक का क्या बोलना चाहेंगे आज? आवक क्या लगे? बहुत कम है आज. आज कम है? 50-55 हजार से ऊपर नहीं है कट्टे. ठीक है ठीक. तो आवाज अच्छा, आवक ऐसी रहनी चाहिए कि वो बहुत ज्यादा? आवक ऐसी रहेगी तो सबके मजे. सबके मजे है, बिल्कुल सही है. चलिए सेठ जी से बात हुई हमारे दुकान नंबर 103 वालों से. देखो अफगानी साहब की प्याज आई वहाँ पे अमृतसर में. हाँ हाँ हाँ. पर वो अच्छी नहीं प्याज. अच्छी नहीं. और लहसुन का भी हमें सुनने में आ रहा है कि आप बाहर की विदेश की लहसुन बैन कर करेंगे. और वापस लहसुन के भाव भी कहीं ना कहीं अब फिर से बढ़ सकते हैं. प्याज का भी बढ़ सकता है वो लहसुन का भी भाव बढ़ सकता है. दोनों का भाव बढ़ेगा. लहसुन में जो हम लोग इम्पोर्ट कर रहे थे वो खत्म करके इम्पोर्ट बंद कर दिए. और आप अपनी जो यहाँ की लहसुन उसका रेट आप वापस क्या होने लग जाएगा? अगर क्या हो रहा था मालूम है? अफगानिस्तान में कट्टे बदल रहे थे. अच्छा, वो चाइना की, चाइना की लहसुन, चाइना की थी और ठप्पा इराक का और अफगानिस्तान का लग के आ रहा था. हाँ, वो दूसरे जगह. चलिए जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान. ठीक है भैया. अब यह क्या नाम है? शिवराज पाटीदार. पाटीदार जी कहाँ से आए? वाकली से. वाकली के पास गाँव है मेरी. मैं भी पाटीदार हूँ. क्या भाव क्या प्याज आपका? 23 रुपये बिका भैया. 23 रुपये बिका. कितने कट्टे लेके आए? आज तो 15 कट्टे लाया. अभी कितना माल बढ़ा हो आपने? अभी 150 कट्टा और बढ़ा. थोड़ा निकालेंगे धीरे धीरे आराम से. बहुत बढ़िया किसान भाई. यही मैं बार बार हर वीडियो में बोल चुका हूँ कि थोड़ा थोड़ा माल लेके आइए. और ये रेट जो है ये अगर मेंटेन रखना हमको तो थोड़ा थोड़ा माल ही लेके आना है. एक साथ माल लेके नहीं आना है. जय जवान जय किसान. ठीक है भैया जी. नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर. मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव. भाइयों अगर आज की बात की जाए, आज 26 अगस्त 2023, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्याज में थोड़ा बहुत हमको तेजी देखने को मिल रही है. और दूसरी चीज देखा जाए किसान भाइयों, अगर आज प्याज की बात की जाए तो थोड़ा बहुत हमको कहीं ना कहीं प्याज में हल्का सा उछाल देखने को मिल रहा है. और ये उछाल अब ये मान के चलो मैंने पहले भी बोला था चाहे एक्सपोर्ट लग गया लेकिन कहीं ना कहीं ये रेट तो मेंटेन रहेगा. दूसरी चीज किसान भाइयों, थोड़ा थोड़ा करके ही मंडी माल लेके आओ जिससे कि सभी किसानों को फायदा मिलने वाला. तीसरी चीज लहसुन के लिए भी खुशखबरी है कि जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे वो कहने के सरकार ने मान लिया, वो इंपोर्ट कहने के हट चुका है. अब इंपोर्ट जो आ रहा था माल लहसुन वो वाला माल अब नहीं आएगा. इस कारण लहसुन में भी अब थोड़ी बहुत उछाल हम लोग को देखने को मिल रही है. लहसुन का वीडियो बनाएंगे, हो सकता है आज क्या रहने वाला है उसी वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे. किसान भाई अगर आप आज आवक की बात की जाए तो आवक कहने की थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत कल से हल्का सा कम देखने को मिल रहा है. और अगर ऐसे ही आवक रही तो अब ये मान के चलो कि कहने के रेट में इस तरह का मेंटेन रहेगा और आगे भी बढ़ने की संभावना है. मैं संभावना बोल रहा हूँ, मैं डाटा स्टडी करता हूँ, मैं बार बार बोल चुका हूँ, कोई भविष्यवाणी नहीं करता हूँ. चाहे एक्सपोर्ट ड्यूटी लग गया है लेकिन फिर भी ये रेट कहने के मेंटेन रहने वाला है किसान भाइयों. तो आप थोड़ा थोड़ा करके माल ही बेचे, एक साथ माल न बेचे. खराब हो रहा तो माल जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकाल दीजिए. किसान भाई ये वाला क्या 18 रुपये के हिसाब से प्याज देखेंगे तो इसमें छोटे साइज वाला प्याज भी आ रहा है और थोड़ा बड़ा साइज भी आ रहा है, मतलब मिक्स प्याज है. ये क्या 18 रुपये के हिसाब से? किसान भाई 1900 रुपये लग चुके फिलहाल. 19 रुपये के हिसाब से लग चुका है वाला. 19 हो चुका है किसान भाई. 19 18 रुपये लग चुका है फिलहाल. माल अच्छा है, देखा जाए माल तो बढ़िया है. 19 हो चुका है किसान भाई. 20 है. किसान भाई ये वाला क्या 20.5 रुपये में ये वाला हो गया डन. ये वाला गया 22.5 रुपये के हिसाब से. क्या नाम है? रंकित चौधरी. चौधरी जी कहाँ से आए? दाना भाव कुटी. क्या भाव गया प्याज आपका? 21. 21. तो प्याज किस टाइप की थी? प्याज मोटी थी, चॉकलेट मोटी थी. कितने कट्टे लेके आए थे? 151. बड़ा लोट लेके आए थे. अभी कितना माल पड़ा हुआ? अभी 800. तो थोड़ा थोड़ा निकाल लो, एक साथ निकालोगे? थोड़ा थोड़ा. जय जवान जय किसान. ओके भैया. 12 13 13 13 कितना है? 14 रुपये के हिसाब से लग चुका है किसान भाई. 14 का लग चुका है. सूखा है, सूखा है बढ़िया. ये वाला हो गया 16 रुपये के हिसाब से डन. प्याज देखिए तो बड़ा साइज भी है इसमें और छोटा साइज भी और सफेद ही कहीं ना कहीं आ चुकी है इसमें. किसान साथ में बात कर. क्या नाम है? चौहान सिंह. चौहान चौहान जी टोपी अच्छी लग रही है. क्या भाव गया प्याज आपका? 16 रुपये का. 16 रुपये का. कितने कट्टे लेके आए? 19 कट्टे का. 19 कट्टे लेके आए. जय जवान जय किसान. 18 रुपये लग चुका है फिलहाल. देव पूरा 18 रुपये के हिसाब से ये वाला हो गया. इनको भी ले ले यार. जबरदस्त है, जबरदस्त है भैया. 20 20 20
बीस रुपए लग चुका फिलहाल। साढ़े बीस लिखो यार, 20 में डन। माल है भाई। 2100 किसान भाई, ये वाला क्या 21 रुपए के हिसाब से प्याज देखेंगे तो बहुत बढ़िया प्याज है, गुलाबी प्याज है एकदम, और 2100 रुपए में डन। क्या नाम है? दिलीप पाटीदार। पाटीदार जी कहाँ से आए? जोकर मक्सी। दिलीप पाटीदार जी, क्या भाव क्या प्याज आप? 2050। कितने कट्टे लग जाए? भरो 73। अभी कितना माल पड़ा हुआ? अभी 400 कट्टे। तो थोड़ा थोड़ा निकालना है ना, थोड़ा थोड़ा। भैया आपके लग गया क्या भाव क्या आपका? 18.5। आपके लग गया क्या भाव क्या आपका? 1600 रुपये। जय जवान, जय जवान, जय किसान। ठीक है भैया, 2100 रुपए लग चुका है किसान भाइयों, 2100 रुपए लग चुका है किसान भाइयों। भैया 2100 रुपए के हिसाब से ये गया किसान भाई, 21 रुपए के हिसाब से प्याज देखें तो अच्छा प्याज में छोटा साइज बड़ा साइज, किसान साथ में बात कर रहा था। क्या नाम है? चौधरी जी कहाँ से आए? क्या भाव क्या प्याज आपका? 2100। अभी कल भी लेके आए थे ना, कल ये वाला प्याज था, क्या भाव गया था कल? 2100। थोड़ा सा आपको हल्का सा कम मिला। कितने कट्टे लेके आए थे आज? लाए थे 25 कट्टे। जय जवान, जय किसान। ठीक है भैया, 1900 रुपए लग चुका फिलहाल, 1900 रुपए, 1900 रुपए लग चुका है। 1900 भैया, 1900, 1900 रुपए में वाला डन हो गया ये वाला, किसान साथ में बात। क्या नाम है? अरुण पाटीदार। पाटीदार जी कहाँ से आए? पाटीदार। अच्छा, जाना बाबू जी, बहुत बढ़िया लगा देखने के लिए। परसों आप देखिए जल्द, क्या भाव क्या प्याज आपका? 1900 रुपए। कितने कट्टे ले आए? 41। जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। जी जी भैया, 1600 रुपए लग चुका फिलहाल। 1650 में किसान भाई ये वाला हो गया डन, 1650 के हिसाब से गया किसान भाई ये, और किसान साथ में बात कर रहा था। इसका आपका माल? अब यार क्या नाम है? संदीप पटेल। पटेल साहब कहाँ से आए? क्या भाव गया आपका प्याज? 1650 रुपए। कितने कट्टे लेके आए थे? 25 कट्टे लेके आए थे। जय जवान, जय किसान। नाम है? धनपाल जी। कहाँ से आए? क्या भाव क्या प्याज आपका? 17 रुपये। भैया भी लेके आए थे? हाँ, ये धनपाल। अच्छा, ये साथ में जय वीर मतलब बना। चलिए भैया, जय जवान। आप लहसुन लेके आए? लहसुन के डांडे बनाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सूखा माल है भाई। 20 किसान भाइयों, किसान भाई ये वाला क्या है? 20 रुपए के हिसाब से। क्या नाम है? किशोर जी कहाँ से आए? सोसनाबाद। क्या भाव क्या प्याज आपका? 1800 रुपए। कितने कट्टे लेके आए थे? 17 कट्टे। जय जवान, जय किसान। ठीक है भैया, अब ये क्या नाम है? ओम प्रकाश जी कहाँ से आए? क्या भाव क्या गोल्टा है? 20 रुपए। कितने कट्टे लेके आए थे? 7 कट्टे। बोलो जय जवान, जय किसान। बोलो ना जय जवान, जय किसान। ठीक है भैया, अब ये क्या नाम है? सोलंकी जी कहाँ से आए? क्या भाव क्या ये गोल्टा आपका? 18 रुपए। कितने कट्टे लेके आए थे? 19 कट्टे। जय जवान, किसान भाई ये वाला क्या है? 2000 रुपए के हिसाब से प्याज देखेंगे, गोल्टा तो बढ़िया एकदम शानदार वाला गोल्टा, एकदम मस्त वाला। किसान है क्या? क्या नाम है? मैं भी पाटीदारी हूँ। क्या भाव क्या आपका प्याज? 1400। तो किस टाइप का था? बड़ा था? गोल्टी। कितने कट्टे लेके आए थे? 15 कट्टे। जय जवान, जय किसान। ठीक है भैया, अब यहाँ क्या नाम है? हेमंत पाटीदार। पाटीदार जी कहाँ से आए? मैं भी पाटीदार हूँ। क्या भाव गया प्याज आपका? 21.5। 21.5। किस टाइप का प्याज था? मीडियम था। मिक्स था। और कितने कट्टे लेके आए थे? 20 कट्टे। आप कितने लेके आए थे? क्या लेके आए थे? प्याज लेके आए। क्या भाव गया प्याज? 17.5। भैया आप क्या भाव गया? 21 रुपये। आप कुछ लेके आए थे? प्याज लेके आए। क्या भाव गया? 1700। मतलब लगभग लग अगर देखा जाए तो प्याज में हम लोग को कल से थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है हल्का हल्का, और किसान भाइयों मेरा एक ही बोलना है, थोड़ा थोड़ा माल लेके आओ, सबको रेट मिलेगा, एक साथ अपने को मंडियों को भरना नहीं। जय जवान, जय किसान। ठीक है भैया।